हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुक विद यूबी। आज मैं आपके साथ कुछ और नई टिप्स शेयर करूँगी। इन टिप्स को मैंने पर्सनली यूज़ किया है और ये टिप्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन टिप्स को मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो पहली टिप जो है वो इस मलाई को लेकर है। अक्सर हमारे घर में जब ज़्यादा मलाई इकट्ठी होती है तो हम उसका पहले मक्खन बनाते हैं और फिर उससे घी बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत थोड़ी सी मलाई इकट्ठी होती है, तो हम उसके लिए ये टिप फॉलो कर सकते हैं। हम इससे जो है डायरेक्ट घी बना सकते हैं। तो इसको किसी पैन में डालकर गर्म करें, सिर्फ 10 मिनट में इससे घी निकल जाएगा। अगर आप मलाई से मक्खन और फिर उससे घी निकालना चाहती हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड की है, उसका जो लिंक है आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, घी मैंने निकाल लिया है, इसको हम छान लेंगे। तो इसको छलनी से अच्छी तरह छान लें और छलनी को दबा दबा कर जो भी इसमें एक्स्ट्रा घी है उसको अच्छी तरह से निकाल लें और ये जो वेस्ट है इसको आप फेंक दें। साथ ही जो पैन जिसमें मैंने घी बनाया है उसको धोने की भी मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर दूं। तो ये जो पैन है इसमें बहुत ज़्यादा घी लगा हुआ है, इसको इसी तरह से ना धोएं। पहले इसमें थोड़ा सा आटा डालकर उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें और फिर उस आटे को गूंद लें। तो ऐसा करने से आपके आटे में भी घी हो जाएगा तो आपका आटा भी अच्छा गूंदेगा, साथ ही पैन से घी साफ़ हो जाएगा तो पैन भी बहुत ईजिली साफ़ हो जाएगा। सेकेंड टिप जो है वो इन आलूओं को लेकर है। जब हम सुबह सुबह आलू बॉईल करते हैं और हमें इसे छीलने में बहुत जल्दी होती है, तो ये गर्म होने की वजह से नहीं छील पाते। तो इसको छीलने के लिए आप इन गर्म आलू में एक फोक डालें और उस फोक को पकड़कर आप इजीली आलू को छील सकती हैं। तो ऐसा करने से जो आलू हैं आपको गर्म नहीं लगेंगे और आप इनको झटपट छील सकती हैं। और सुबह की भाग दौड़ में ये वाली टिप जो है आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इस तरह आप जल्दी से आलू को छील कर झटपट नाश्ता बना सकती हैं। तो आप इस टिप को फॉलो करिए और इसे फ़ायदा उठाइए। साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखकर ये ज़रूर बताते रहिए कि आप इस वीडियो को कौन से सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो को कितने लोग पसंद करते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकती हैं कि आप और कौन सी टिप देखना चाहते हैं, या आपको किस काम में परेशानी होती है, आप और किस काम को इजीली करना चाहते हैं। साथ ही इस आलू को मैश करने के लिए मैंने मैशर का यूज़ नहीं किया है, मैंने कटोरी की हेल्प से ही इसको मैश कर लिया है। अगर आपके पास कटोरी नहीं है तो आप इसके लिए एक ग्लास का भी यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो इन सब्ज़ियों को लेकर है। अक्सर जब हम सब्ज़ी छीलते हैं तो हमारे किचन काउंटर पर गंदगी फैल जाती है और फिर हमें उसे साफ़ करना पड़ता है। तो उस परेशानी से बचने के लिए आप एक बोल ले लें या प्लेट ले लें, जिसमें भी आप छील के रखना चाहती हैं, उसको इस तरीके से पॉलीथीन से कवर कर लें और फिर आप छील के जो हैं वो इस पॉलीथीन में डालती रहें। ऐसा करने से आपका किचन गंदा नहीं होगा और आपको उसे बाद में साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने सारे छिलके जो है इसी पॉलीथीन में डाल दिए हैं और देखिए कि अब मैं आगे क्या करती हूँ। तो ये बहुत ही इजी टिप है, मतलब इसमें आपको कुछ भी खर्चा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की फालतू पॉलीथीन हमारे घर में अक्सर पड़ी रहती हैं। तो देखिए, सारे छिलके मैंने इसी पॉलीथीन में डाल दिए हैं और अब मैं इस पॉलीथीन को निकाल कर इस तरीके से डस्टबिन में फेंक दूंगी और किचन काउंटर हमारा बिल्कुल साफ़ रहेगा। नेक्स्ट टिप जो है वो इस चॉपर के बारे में है। अगर आप अपने घर के काम को जल्दी करना चाहती हैं तो आप भी ये चॉपर ख़रीद कर ला सकती हैं। बहुत ही सस्ता ये चॉपर मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसमें चॉपिंग के अलावा और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। अगर आप वो चाहती हैं मैं बताऊँ कि चॉपिंग के अलावा हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो मैं एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने ऑयल गर्म कर दिया है और इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, साथ ही प्याज, टमाटर और हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक चॉप करके रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। बहुत ही कम इसमें मसाले जाएंगे, तो इसमें थोड़ी सी हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने, नमक डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। फिर जो आलू मैंने मैश करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो आलू डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा झटपट बनने वाली सब्ज़ी है। सुबह की जब भाग दौड़ में अगर आप कुछ जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इस सब्ज़ी को ट्राई कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अगर आप इसको टिफ़िन बॉक्स में देना चाहते हैं तो आप इसको सूखा रख सकते हैं, और अगर आप इसको घर पर ही खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से
कुक कर लें ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। और देखिए हमारी झटपट सी बनने वाली आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसको आप पूरी के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। नेक्स्ट टिप जो है वो इस किचन काउंटर के बारे में है। जो गैस है हमारा अक्सर गंदा हो जाता है खाना बनाने के बाद, तो उसको साफ़ करने के लिए आप एक शैम्पू का पाउच ले लें। तो किसी कटोरी में थोड़ा सा शैम्पू निकालें और इसमें पानी मिक्स कर लें। तो इसमें शैम्पू बहुत थोड़ा सा डालना है, फिर उसमें पानी मिक्स करके मैंने इसको एक बॉटल में भर दिया है। तो मेरे पास एक ऐसी खाली बॉटल पड़ी थी स्प्रे वाली, मैंने इसमें भर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको मैं जो मेरा गैस है उसके ऊपर मैं स्प्रे करूंगी, क्योंकि अक्सर ये जो ग्लास वाला कुक टॉप होता है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और इस पर पानी के भी निशान पड़ जाते हैं। तो इस पर मैं ये सॉल्यूशन स्प्रे करूंगी और फिर इसको मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर दूंगी। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप किसी साफ़ कपड़े को इसमें भिगोकर उससे इस गैस को साफ़ कर सकती हैं, और उसके बाद आप इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर दें, गैस आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। अगर ये सारी टिप्स आपको यूज़फुल लगी हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक और नई यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।